हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ PSL 2019 के 22nd मैच की मैच प्रेडिक्शन, जो कि होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच। और ये मुकाबला खेला जाएगा 1 मार्च की रात को 9:30 बजे भारतीय समय अनुसार ये मुकाबला होगा दुबई में। तो आइए जानने से पहले कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीमें मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं, हम सबसे पहले नज़र डालेंगे दोनों टीमों की बल्लेबाजी के ऊपर और देखें कि सिम की बल्लेबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं मुल्तान सुल्तान की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास शोएब मलिक, शान मकसूद, उमर सिद्दीक, शाहिद अफरीदी, जॉनसन चार्ल्स, जेम्स विंस, लॉरी विंस जैसे बल्लेबाज है दोस्तों। वहीं अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी पर नज़र डालूं तो उनके पास उमर अकमल, शेन वाटसन, राइली रूसो जैसे बल्लेबाज है दोस्तों और ड्वेन ब्रावो जैसे ऑलराउंडर हैं। तो वहीं अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो मुझे तो बल्लेबाजी में अनडाउटेडली मुल्तान सुल्तान का पड़ना भारी लग रहा है। और अगर पॉइंट्स की बात करूँ तो मैं 56 दूंगा मुल्तान सुल्तान की बल्लेबाजी को और 44 दूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बल्लेबाजी को। अब आइए दोनों टीमों की गेंदबाजी पर नज़र डालते हैं और देखते हैं किस टीम की गेंदबाजी कितनी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स की गेंदबाजी पर नज़र डालूँ तो उनके पास एहसान अली जैसे गेंदबाज, सोहेल तनवीर, ड्वेन ब्रावो, फवाद अहमद जैसे गेंदबाज है दोस्तों और वेरी एक्सपीरियंस हैरी गोंडी जैसे गेंदबाज हैं। तो अगर मैं मुल्तान सुल्तान की गेंदबाजी पर नज़र डालूं तो मुल्तान सुल्तान के पास जो गेंदबाज है उमर सिद्दीक, जुनेद खान, मोहम्मद अब्बास, शाहिद अफरीदी जैसे गेंदबाज, नुरमान अली जैसे गेंदबाज दोस्तों, और आंद्रे रसल खेलेंगे नहीं क्योंकि वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच जब 2 ODI सीरीज़ बची है वो उनमें खेलने गए हैं विंडीज़ की तरफ से। तो अगर मैं पलड़ा भारी की बात करूं तो भले ही बल्लेबाजी में मुल्तान सुल्तान का पलड़ा भारी हो पर गेंदबाजी में मुझे क्वेटा ग्लैडिएटर्स का ही पलड़ा भारी लग रहा है। और अगर मैं पॉइंट्स की बात करूं तो मैं 58 दूंगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स की गेंदबाजी को और 42 दूंगा मुल्तान सुल्तान की गेंदबाजी को। अब आइए इस पर नज़र डालते हैं कि मुझे क्या लगता है दोनों टीमों से कौन सी टीमें मैच जीतेगी और किस टीम के मैच जीतने के चांसेस कितने हैं। ये जो मैच है ये होगा दुबई में और मैं बैक करूँगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स को ये मैच जीतने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे हिसाब से क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीत जाएगी। और अगर मैं चांसेस की बात करूँ तो करीबन 51% चांसेस है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मैच जीतने के और करीबन 49% चांसेस है मुल्तान सुल्तान के मैच जीतने के। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये जो मेरी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो है इसको मैं 100% सही होने की गारंटी नहीं दे सकता, इसको मैं 90-95% सही होने की गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है ये मैच क्वेटा ग्लैडिएटर्स नहीं मुल्तान सुल्तान जीतेगी तो आप मुल्तान सुल्तान के साथ जा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं ऐसी मैच प्रेडिक्शन की वीडियो आपको लाता रहूँगा जो इन द एंड आपको मैच प्रेडिक्ट करने में हेल्प करेगी। Okay guys, till the next video, enjoy life.